तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। भाई जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। भाई कल की जो अभी तक चल रहा था पिछले 6-7 महीने से, और पिछले 1 महीने से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर था। क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी भाई बारिश का भी माहौल चल रहा है। दूसरा भाई साहब, इस मूवी के टिकट प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो क्या इस मूवी के लिए रिस्क लेना चाहिए, इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो भाई साहब अगर कोई जल्दी में है तो स्टार्टिंग में पहले ही बता दूं, द मूवी इज वेरी वेरी क्वाइट ऑसम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फैंटास्टिक, क्योंकि ये तारीफ के लायक है। जिस हिसाब से नागार्जुन ने इसको डायरेक्ट किया है भाई, बिल्कुल तारीफ के लायक है, और इसकी तारीफ करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। मूवी को अभी रिव्यू करने वाले हैं और बेझिझक आप रिस्क लीजिए, मूवी को देखने जाइए, क्योंकि ऐसा सिनेमा थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए ही बना है। भाई 3 पार्ट में इसको बोलने वाले हैं। पहला स्टार्ट करेंगे तारीफ से ही, क्योंकि ये लायक है उसके, दैट्स व्हाई स्टार्ट करते हैं। VFX, CGI, ऑल विजुअल इफेक्ट्स आर क्वाइट ऑसम एंड बाप लेवल का है भाई साहब। साउंड डिजाइन की अगर बात करें तो साउंड डिजाइन सबसे दमदार पार्ट एंड की रोल प्ले करके गया है। जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें आया है, एक एक चीज को टच कराने के लिए, क्योंकि जो आंखों से हम देख रहे हैं उस पर भाई साहब VFX बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो हर बार गूज़बम्प्स दे के जाना, वो ओरिजिनैलिटी में और भी ज्यादा सीरियसनेस डाल के जाना, खासकर अश्वत्थामा का कैरेक्टर आ रहा है, खासकर महाभारत का जो भी सीन आया है वो सब कुछ भाई सीरियसनेस ही तो है। बात करें कैरेक्टर्स की, ऑल कैरेक्टर्स आर अमेजिंग। स्टोरी राइटिंग जिस हिसाब से करी गई है और स्टोरी का रिप्रेजेंटेशन जिस हिसाब से करा गया है भाई साहब दमदार है। स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फैंटास्टिक। मेन पार्ट भाई, की पार्ट की अगर बात करें जो मेरा दिल लूट कर लेके गया है, वो है नागार्जुन का डायरेक्शन। भाई साहब नागार्जुन अगर ये बंदा डायरेक्टर ना होता इस मूवी में, तो ऐसा एक्सपीरियंस फिलहाल हमें नहीं देखने को मिलता या फिर महसूस करने को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी डायरेक्शन भाई यही बंदा दे सकता है। जो बहुत हद तक ट्रेलर से भी प्रॉमिसिंग लग रहा था, देन उसके बाद फाइनल ट्रेलर जब आया था, देन उससे पहले भी जो इंडिविजुअल इंटरव्यू इसके हुए थे नागार्जुन के, वो प्रॉमिसिंग दे रहे थे, और वो सब चीज़ यहाँ पर प्रूव किया है अपनी मूवी में आज के दिन पे। तो भाई मूवी ऑसम है, क्वाइट ऑसम है। देन उसके बाद भाई हॉलीवुड के लेवल की अगर बात करें, कि अभी तक हॉलीवुड चल रहा था कि भाई ये मूवी मैचअप करने वाली है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर 100% नहीं बोलूंगा, बट बहुत हद तक अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट हॉलीवुड का लेवल मैच करके गई है, जो इंटरनेशनल पे भाई धमाका मचा के जाएगी। भाई नागार्जुन की ही बदौलत है ये सब कुछ। एंड माय फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, अश्वत्थामा का करेक्टर यानी अमिताभ बच्चन का करेक्टर। भाई अमिताभ बच्चन 80-82 साल का ये आदमी अभी भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे को, प्रभास को ओवर शैडो कर दिया, कमल हसन को ओवर शैडो कर दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ही अधिकतर मुझे रोल पे देखने को मिले वहाँ पर, जो हर बार पकड़ में आए हैं कि भाई अगर ये बंदा ना होता तो ये मूवी शायद अधूरी ही अधूरी लगती। और अश्वत्थामा के कैरेक्टर भाई अमित जी से बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता था। तो कैरेक्टर ऑसम था, जितना भी मैजिकल पावर, जितने भी फाइट सीन, सिक्वल सब कुछ दिखाया गया है। VFX का जो इस्तेमाल कराया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जितनी बार भी एंट्री करी गई है अश्वत्थामा की, भाई ऑल आर अमेजिंग। और जब भी भैरवा के सामने यानी प्रभास के सामने ये आए हैं, तो भाई ये देख कर लग रहा था कि ये एक दूसरे के राइवल हैं, ये बने हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। वो चीज़ सब कुछ दमदार थी। वो मैं फिर कहूँगा कि नागार्जुन की बदौलत ही है, जो उनका विजन था और जो विजन उन्होंने सेट किया है भाई, ये वाला मामला फील कराने के लिए और कोई डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कि इतना 100% सियोरिटी दे जा सकता था। कमल हसन की बात करें तो भाई कमल हसन का जितना भी पार्ट आया, लेकिन अभी अंदर से ना बौखलाहट हो जाएगी, भाई हमें ये और भी ज़्यादा चाहिए था। देन सेकंड पार्ट अभी आएगा, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक डिमांड यही रहेगी कि भाई साहब हमें सेकंड पार्ट में और कोई दिखाओ मत दिखाओ, कमल हसन का पार्ट जरूर दिखाओ, क्योंकि जितने भी सीरियसनेस का वो एविल एंड निगेटिव करेक्टर देखने को मिलेगा, जो दहला के जाएगा कि भाई, क्योंकि अभी तक आप बहुत से कैरेक्टर से टच हो चुके हो, बहुत से एनवायरनमेंट से टच हो चुके हो, और आप जानते हो कमल हसन का निगेटिविटी, वो उसकी पावर, इविल पावर कितनी बेहतरीन हद तक हो चुकी है, जो आपकी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जा सकता है। भाई कमल हसन दमदार है। प्रभास का लुक्स कैसा रहा? भाई प्रभास फैंटास्टिक। जब भी आया है ये बंदा आग लगा के गया है। जिस हिसाब से इसे यूज करना चाहिए था, नागार्जुन ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया। सलार वाला प्रभास देखने को नहीं मिलेगा भाई, कट टू कट आपको बाहुबली का प्रभास याद दिला के जाएगा, जो लगेगा कि भाई इस बार इस बंदे ने एफर्ट मारा है, क्योंकि बहुत से फ्लॉप्स देखने को मिले, बहुत से एवरेज देखने को मिले, और यहाँ से प्रभास का कमबैक सॉलिड है, दमदार है। तो भाई ये रिमार्केबल होने वाला है, जो दमदार ही लगेगा। बाकी और बात करते हैं आगे जाके, भाई महाभारत का जितना भी पार्ट आया है इसमें, महाभारत का पार्ट सीरियसनेस देखे गया है, और ये जो महाभारत का पार्ट था वो जो प्ले करा गया है,
VFX एंड CGI और विजुअल इफेक्ट के द्वारा भाई नाग अश्विन के अलावा कोई और इसे बेहतरीन तरीके से कर भी नहीं सकता था। तो भाई साहब क्या बात, मूवी में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था क्या, इतना परफेक्ट कोई हो सकता है? तो भाई इतना परफेक्ट फिलहाल कोई नहीं हो सकता। फिलहाल जो मूवी लवर है, सिनेमा लवर है, खासकर हॉलीवुड लवर है, वो कहीं ना वो इजीली गलतियां पकड़ डालेंगे। तो अभी उन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लाइक ह्यूमर, जबरदस्ती का ह्यूमर डालने की कोशिश करी है भैरवा के साथ, वो एक बचकानी हरकतें प्ले करने की गोली, जोक वगैरह ना, जो हर बार जो क्योंकि एक पेस बन चुका है मूवी का सीरियसनेस का, वो सीरियस टोन में मूवी चल रही है, लेकिन बीच बीच में वो क्रिंज ऐसी चीज़ें आएंगी, कई बार डायलॉग डिलीवरी ऐसी होगी जो क्रिंज लगेगी भाई, बचकानी वाली लगेगी, तो वो ना भी होती तो चल जाता। थर्ड एंड गेम चेंजिंग थिंग, कॉपी या फिर इंस्पिरेशन, क्योंकि इस चीज़ पे भाई बहुत डिबेट होने वाली है आगे जाकर, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। भाई वकांडा, अगर आपको याद है, वकांडा जो वाइब्रेनियन से पूरा सुरक्षा कवच बनाया गया था, वही संभाला के लिए, वही सुरक्षा कवच, वही पैटर्न फॉलो करते वो लोग वहाँ नजर आए। तो आप इसे कॉपी बोलो या इंस्पिरेशन बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद डिस्टोपियन एरा की और भी हॉलीवुड मूवी अगर ले लें, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ले लो, स्टार वॉर्स ले लो, तो बहुत कुछ पार्ट वहाँ से आया है, सिमिलरिटीज वहाँ देखने को मिली है। तो फिर वही चीज़ की कॉपी लो या इंस्पिरेशन, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी यस, हॉलीवुड लेवल का भाई मामला है, दमदार है, पकड़ में आ जाएंगे कि यार ये थर्मोकॉल वाली गन दिखाने का क्या मतलब था। देन VFX के बाद, VFX के बेस पे ही अगर बोले तो भाई कार्टूनिस चीज़ें दिखाने का क्या मतलब था, फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिलहाल ये चीज़ें आपको इतना पकड़ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि मूवी की अच्छाइयाँ इतनी हैं जो इन कमियों को ढाल सकती हैं, ढक सकती हैं, ईजिली ढक सकती हैं। तो बस ये दो चार चीज़ें नहीं होती तो मूवी और भी ज़बरदस्त होती, और भी दमदार होती। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मजे लो, दमदार है मूवी, बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।